कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले चैतन्य नगर से एक फ्रॉड की घटना आगे आ रही है, जहां एजेंसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते हुए आरोपी फरार हो गया और वह यह पिछले 3 सालों से कर रहा था। इस गिरोह में लगभग 5,000 लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं विस्तार से। चैतन्य नगर निवासी 40 वर्षीय सचिन सुखदेव मेश्राम की संकल्प सेल्स कॉरपोरेशन नामक एजेंसी है, जहां वह 3 वर्षों से मासिक जमा की योजना चला रहा था, जिसके तहत ग्राहकों से मासिक 1,000 रूपए भरने पर 16 मई के आखिर में 20,000 वापसी शुल्क देने के दावे के साथ ग्राहकों को लूट रहा था। इस गिरोह में उसने एजेंट के तौर पर भी लोग नियुक्त किए थे, जिन्हें वह कमीशन देता था, लेकिन अचानक से वह महीने की शुरुआत में भाग गया, जहां उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ितों ने कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज की है, जिसके संज्ञान पर पुलिस कार्यवाही करी है। गौरतलब है कि इस मामले में लगभग 5,000 लोगों का नुकसान हुआ है। मैं गए साल उसके पास बीसी का कार्ड खोली थी, 14 अप्रैल के कार्यक्रम में मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि 16,000 डालने से 20,000 मिलता है, तो मैंने डाल दी। बीसी कभी डाली नहीं थी, बट डाल दी मैंने। मुझे उस टाइम मिला उनका, बराबर है। फिर उसके बाद वो बोलते कि तुम कार्ड का काम शुरू करो, तुमको कमीशन मिलेंगी। पर कार्ड में कितने? पर कार्ड में वो बोल रहे थे 1,000-1,500 ऐसे 20,000 ऐसे। तो फिर मैंने कार्ड का काम शुरू करी, कार्ड करना, क्योंकि एक हाउसवाइफ थी मैं, मुझे भी 2 पैसे की अर्निंग होनी चाहिए, इस हिस्से में करी। मुझे उसका कैरेक्टर नहीं पता था, वो क्या से आया, क्या किया, कुछ नहीं पता था। मेरी इतनी मतलब जान पहचान है कि लोग मेरे एक कहने से कार्ड खोले, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से ही हमने इतना ये काम किए। इसकी वजह से हम लोगों का नाम पूरा खराब हो चुका सर। ये संकल्प सेल्स कॉरपोरेशन से थी और एक दूसरा न्यू संकल्प अर्बन मागासुर, उन्हें महिला बैंक भी खोले उनके माँ के नाम से, रत्नमला सुखदेव मेश्राम, और उनके वाइफ ने संकल्प इंटरप्राइजेस खोले हैं ये जो चौस्कल में। अभी इन्होंने सभी बोर्ड निकाल के रख दिए सर, फोन 20 दिन से बंद है। पूरे एजेंट बोल रहे, मैं अकेली नहीं, पूरे एजेंट बोल रहे कि इसने दूसरी पत्नी कोई भंडारा में है, हमने उसको देखे नहीं, पर ऐसी अफवाह चल रही है कि उसकी दूसरी वाइफ है, क्या नाम है ये नहीं पता। 250-300 लोग है सर जो एजेंट है, और कस्टमर तो 8,000 के ऊपर है। इन्होंने FD भी निकालने के लिए कहा, जो 60,000 पे 1,00,000 देंगे करके, आज लोगों का लाखों का पैसा है। लोग हमारे घर पे आके गाली गलौज कर रहे हैं, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे बहुत गलत असर हो रहा है। ऑफिस में देखिए, रत्नमाला अश्विनी मेश्राम, उनकी माता रत्नमाला सुखदेव मेश्राम, और ऑफिस का स्टाफ विद्या मांडवे, अनुपमा मते, वैशाली गेडाम और प्रिया करके है। उनका मांग हमारी है कि हमारे लोगों का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि लोगों को हमको हैमरिंग हो रहा है। ये सुनिए, ये पैरेलेक्स पेशेंट है, इनको 2 बार पैरेलेक्स अटैक है, उनकी उंगलियां देखिए आप, ये दिखाइए इनको, और एक बार अभी तीसरा अटैक आया है इनको, पर हमने उनको वो संभाल लिए, क्योंकि 2 लोग इनके घर पे तलवार लेके आए थे कि उनके 2 कार्ड है, अगर 40,000 नहीं दिए तो उनके हस्बैंड को बोले कि गला काट के मार डालेंगे। और ये सचिन मेश्राम को हमने ये बात बताए, मैंने खुद फ़ोन करी थी कि सर बोली उनके हस्बैंड पे ये बात आई है, तो आप थोड़ी सी तो भी मदद करिए। तो वो मुझे बोलते कि आप मदद करिए, मैं कस्टमरों को नहीं पहचानता, मैं तुम उनके घर नहीं गया बोलता कार्ड निकालने। जब बिजनेस बढ़ाना था ना, तो सबसे अच्छी से बात की है, और अभी 20 दिन से फोन बंद, दुकान बंद, हम किसको पकड़ेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।